के लिए अपने जीवन को दिए, वो क्रूस पर मारेंगे, गाड़ेंगे और तीसरे दिन जी उठे, इसलिए ताकि आपका मेरा उद्धार के यीशु आपके लहू से मुझे शुद्ध करता। हालेलुया, धन्यवाद पिता, तेरा महिमा हो परमेश्वर, प्रभु तेरे महिमा हो। हालेलुया, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तू मुझे छू ले, प्रभु तो मुझे शुद्ध कर, मुझे छुटकारा दे, बल्कि प्रार्थना के लिए जितने लोग आज पहले बात प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं, जब आप में से ऐसा कोई है जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं प्रभु मैं आज से आपके लिए अपने जीवन को समर्पण करूंगा, मैं सिर्फ आपके लिए जीऊंगा, पाप से मुझे उद्धार कीजिए, जब आप यीशु में ऐसा कहना चाहते हैं, जब आपने हाथों को उठाए अपने जगह पर हल्का से खड़े हो जाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु। वही लोग केवल खड़े हो जाइए जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते रूप में ग्रहण करना चाहते हैं। प्रभु तेरा कार्य हो प्रभु, तेरे कार्य हो परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, आपकी से इस प्रार्थना करते हैं, जितने लोग आज प्रभु अपने हाथों को उठाए गए, जो खड़े हुए हैं, प्रभु आपको उद्धार के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं परमेश्वर, हर एक को प्रभु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, हर एक के लिए विनती करते हैं परमेश्वर, आप दया करें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हर एक के जीवन में आपका कार्य हो परमेश्वर, आप अनुग्रह करें, आप प्रभु उनके जीवन में प्रभु आइए। जो लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु अपनी समस्याओं से, अपने प्रभु रोग से, अपने प्रभु दिक्कतों से, अभाव से छुटकारा पाने के लिए, उनके समस्या अभाव रोग से छुटकारा दे, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर आपके प्रभु लहू से, उनके पापों से प्रभु आप छुटकारा दे। मेरे पापों को धो लीजिए, मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, पाप के संदर्भ में आज से मैं आपके लिए जीऊंगा, आपके नाम के लिए जीऊंगा, और मेरे जीवन में परमेश्वर उस पवित्र आत्मा को दे, ताकि मैं पवित्र जीवन का अतिवाहित करूंगा। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु मेरे वाक्यों को नहीं, लेकिन आप पर परमेश्वर विश्वास करते हैं, अपने जीवन को दिए, धन्यवाद करते हैं, अपने प्रार्थना को सुनते हैं यीशु के नाम से।